मंडी प्रशासन ने एक ये पर्ची जारी की है और ये पर्ची में आप देख सकते हैं कि जो मटर है उसकी एक बोरे की कीमत 700 रुपए लिखी गई है। 700 रुपए के हिसाब से मंडी प्रशासन वापसी मुआवजा दे रहा है। उन्होंने बोला कि 700 रुपए कट्टा देंगे और कल माल मत लेके आना, इसके बाद जो भी होगा तो बताएंगे आप। राजस्व विभाग के द्वारा सर्वे होगा। जी बोल रहा है कि भाई अब 700 रुपए कट्टा के पैसा मिलेंगे आपको, वो 20 से 25 दिन के अंदर मिलेंगे। क्या बोले अभी 36 बोरी मटर लेके आया था, प्रशासन ने मुआवजा के तौर पर हमको रसीद दी है। समझौता देखिए, कल से किसान यहाँ पे मटर लेके आए हुए थे जिसका व्यापारी औने पौने भाव पे ले रहा था, उस बात को लेके यहाँ पे व्यापारियों में किसानों में आक्रोश हुआ जिसको लेके यहाँ पे चकाजाम किया गया कि जो भी मटर है, जितना भी मटर है गाड़ियों में, जिस किसान का जितना भी मटर है उसको 700 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो आखिरकार 21 घंटों के बाद किसान माने हैं और अपना प्रदर्शन समाप्त किया है। मैं इस वक्त जबलपुर जिले के कृषि उपज मंडी के सामने उसी गेट पर मौजूद हूं जहां सोमवार की बीती शाम 7 बजे से लगातार प्रदर्शन किसान कर रहे थे। आप देख सकते हैं अभी भी किसानों की भीड़ लगी हुई है। हालांकि अब ये सिलसिला बाहर निकलने वालों का है, जो किसान है वह अपनी मटर जो लेकर आया था वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन अभी जो किस बात पर किसानों की बात हुई हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ये जिला मंडी प्रशासन ने एक ये पर्ची जारी की है और ये पर्ची में आप देख सकते हैं कि जो मटर है उसकी एक बोरे की कीमत 700 रुपए लिखी गई है। 700 रुपए के हिसाब से मंडी प्रशासन वापसी मुआवजा दे रहा है। जो किसान है, आप मटर लेकर आए थे, क्या बात हुई मंडी प्रशासन से और किस बात पर आपने धरना समाप्त किया? उन्होंने बोला कि 700 रुपए कट्टा देंगे और कल माल मत लेके आना, इसके बाद जो भी होगा तो बताएंगे आपको। कैसे पैसे देंगे, क्या बात हुई? और बोल रहे कि राजस्व विभाग सर्वे करेगा आपका, सर्वे के दौरान जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से पेमेंट हो गई। जो पर्ची आपको मिली अभी, इसके पर्ची मिलने के बाद अब सर्वे होगा, ऐसा कुछ बताया? राजस्व विभाग के द्वारा सर्वे होगा। और भी कुछ किसान उनसे, आप किसान हैं मटर लेकर आए हुए थे, अभी कहाँ है आपका मटर? अभी क्या बात हुई आपकी, प्रशासन ने क्या बोला, कैसे आप लोग अब धरना समाप्त करके अब जा रहे हैं? अबे तो कछु अब अभी जो अब जय बोल रहे हैं कि भाई अब 700 रुपए कट्टा के पैसा मिलेंगे आपको, वो 20 से 25 दिन के अंदर मिलेंगे। क्या बोले अभी? और अभी आपको पर्ची मिली कि नहीं मिली? अभी कितना मटर लेकर आए थे आप? 60 बोरा है। तहसील से कल 36 बोरी मटर लेके आया था, प्रशासन ने मुआवजा के तौर पर हमको रसीद दी है जिसका हम जल्दी से जल्दी भुगतान चाहते हैं। हमारी माता राम की तबीयत खराब है और यही शासन प्रशासन ने जो हमको राहत पहुंचाई है उनकी बात मानकर हम लोगों ने ये अपना कदम, शासन की बात मानते हुए अपना माल मंडी में फेंक के जा रहे हैं। आपका किसी ने खरीदा नहीं? नहीं, नहीं, लौट के ले जा रहा है सर वापस। क्या बोला? किस बात को लेकर समझौता हुआ, फिर आंदोलन खत्म किया गया? समझौता देखिए, कल से किसान यहाँ पे मटर लेके आए हुए थे जिसका व्यापारी औने पौने भाव पे ले रहा था, उस बात को लेके यहाँ पे व्यापारियों में किसानों में आक्रोश हुआ जिसको लेके यहाँ पे चकाजाम किया गया और जिसके चलते आज अभी भी चकाजाम था। लेकिन इस बीच में प्रशासन शासन से बातचीत हुई, उस पर ये निर्णय लिया गया कि जो भी मटर है, जितना भी मटर है गाड़ियों में, जिस किसान का जितना भी मटर है उसको 700 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा और मंडी सचिव द्वारा पर्ची काट के दी जाएगी, सील लगा के वो उसके द्वारा, उस पर्ची के द्वारा उसको किसानों को पेमेंट दे दिया जाएगा। तो बिल्कुल, अब किसानों का साफ तौर पर कहना है कि मंडी प्रशासन ने उन्हें एक पर्ची जारी कर दी है, वापसी मुआवजे के नाम से उस पर्ची को दे रहे हैं और उसमें यह लिखा गया है कि 700 रुपये बोरे के हिसाब से जितने भी मटर बोरे लेके आए थे उसका पैसा प्रशासन देगा और 20 से 25 दिनों में इसका भुगतान हो जाएगा। हालांकि इस प्रशासन की इस बात को मानकर अब किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और सभी अपने अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि प्रशासन कितने जल्द किसानों का यह पैसा वापस दे पाता है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।